हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम अविनेश है और आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सरस्वती पूजा यानी कि बसंत पंचमी के लिए एक एनिमेशन तैयार करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग फोटोशॉप में अपना एक ग्राफिक डिजाइन करेंगे, देन उसको आफ्टर इफेक्ट में एनिमेट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। एंड यहाँ पे आपको एक ग्राफिक दिखाई दे रहा होगा जो कि इसका लेयर जो है, अब इस एक बार नज़र इसके लेयर पे डालो। इसमें जितने सारे लेयर हैं वो अलग अलग हैं, यानी कि इसमें जितने सारे एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं वो सारे अलग लेयर पे, और उस एलिमेंट का नाम भी लिखा हुआ है। ठीक है, आपको इस तरह से एक लेयर पर एक एलिमेंट को रखना है। अब उसका नाम डिफाइन करना है, कोई लेयर कौन सा है और उसका नाम क्या है। ठीक है, देन आप सिंपली फाइल में जाना है एंड इस PSD फाइल को सेव कर देना है। PSD में सेव करना है। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या करना है आपको, आपको आफ्टर इफेक्ट ओपन करना है। चाहे कोई भी वर्जन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, आप किसी भी वर्जन पे इसको बना सकते हो। ठीक है, तो मैं अपना आफ्टर इफेक्ट ओपन कर ले रहा हूँ। ये है मेरा एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स वर्जन 2019 का है। ठीक है, ओपन करने के बाद सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ पे न्यू कॉम्पोजिशन पे क्लिक करना है। ठीक है, आप न्यू कॉम्पोजिशन यहाँ से ही बना सकते हो एंड यहाँ पे न्यू कॉम्पोजिशन आपको यहाँ भी मिल जाएगा। आप कहीं पर भी क्लिक करके न्यू कंपोजिशन ले सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अपना कंपोजिशन का नाम डाल दे रहा हूँ एनिमेशन। एंड यहाँ पे विथ एंड हाइट सेट करना है कि आपको कितने विथ एंड हाइट का आपको एनिमेशन तैयार करना है। ठीक है, तो मैं सिंपली शेयरिंग के लिए बना रहा हूँ, जिसे फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए 1080x1080 रखता हूँ एंड जिसका फ्रेम रेट है वो 2090x97 रखूँगा। ठीक है, मैं ड्यूरेशन है, अब ड्यूरेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एनिमेशन कितने ड्यूरेशन का बनाना चाहते हो। ठीक है, तो मैं इसका जो ड्यूरेशन है मैं बस 5 सेकंड रखने वाला हूँ या फिर 6 सेकंड रखता हूँ एंड जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक रखता हूँ एंड सिंपली ओके पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा कॉम्पोजिशन रेडी हो गया। अब बारी आती है इसमें अपना PSD इंपोर्ट करने की। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इंपोर्ट फाइल पे जाएंगे एंड मैंने पहले से बोला था कि मैं PSD सेव करके रखा हूँ, तो ये हमारा PSD। सिंपली मैं इसको क्या करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, यहाँ इंपोर्ट इस पर आना है एंड सेकेंड वाला ऑप्शन चूज करना है और सिंपली यहाँ से इंपोर्ट करना है। ठीक है, ओके कर देना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो कंपोजिशन है हमारे आफ्टर इफेक्ट में आ चुका है। सिंपली आप इस कंपोजिशन पर डबल क्लिक करना है एंड जिस तरह से आपके फोटोशॉप में वो फाइल ओपन हो रहा था लेयर वाइज, उसी तरह इसमें भी वो लेयर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए सारे लेयर इसमें हमारे शो हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग इसमें हम लोग एक एक लेयर को एनिमेट करेंगे। आप मुझे फॉलो करो, मैं जैसे करता हूँ आप सेम टेक्निक को यूज़ करो और आपको अच्छा लगे इसमें आप कुछ और मॉडिफिकेशन करके इसको और अलग आप लुक दे सकते हो। ठीक है, पहले क्या करेंगे हम लोग फ्रेंड, सबसे पहले हम बैकग्राउंड को लॉक कर लेते हैं क्योंकि हम लोग बैकग्राउंड को एनिमेट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं बैकग्राउंड को यहाँ पर लॉक कर दे रहा हूँ एंड इसके बाद बारी बारी से मैं थोड़ा थोड़ा आगे कर लूँगा ताकि हमारे जो जो इसका टाइमलाइन का जो लेंथ है उस लेंथ को हम मैनेज कर सकें। ठीक है, मैं क्या करता हूँ बारी बारी से लेयर को, मैं फर्स्ट वाले को छोड़कर बाकी को थोड़ा थोड़ा मैं आगे कर ले रहा हूँ कुछ इस तरह से। नाउ फ्रेंड्स, इतना हमारा हो गया, अब बारी आती है हमें एनिमेट करने की। तो मैं अपना थोड़ा टाइमलाइन और बड़ा कर ले रहा हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, सबसे पहले इस जो हमारा ये राउंड जो सर्कल है इसको हम लोग एनिमेट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इस बटन प्रेस करूँगा तो हमारा ये जो स्केल प्रॉपर्टी इसका है ये ओपन हो जाएगा एंड मैं क्या करता हूँ इसका जो स्केल वैल्यू है वो 0 रखता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं की फ्रेम एक लगाऊंगा एंड 10 फ्रेम पे आने के बाद मैं इसका जो एक्चुअल जो साइज़ था 100% में कर दूंगा। ठीक है, 100%। तो फ्रेंड्स, ये सिंपल एक एनिमेशन हमारा रेडी हो चुका है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये कुछ इस तरह से हमारा एनिमेट होगा। ठीक है, नाउ एक एनिमेशन होने के बाद हमको अब क्या करना है, सेकेंड एलिमेंट को एनिमेट करना है। ठीक है, तो हम लोग सेकेंड वाले को पकड़ेंगे एंड यहाँ पे आएंगे, सिंपली एस बटन प्रेस करेंगे तो इसका जो स्केल प्रॉपर्टी है वो ओपन हो जाएगा एंड सेम वही काम करेंगे इसमें भी, इसका जो स्टार्टअप वैल्यू है वो 0 रख देंगे एंड यहाँ पर की फ्रेम लगाएंगे, 20 फ्रेम पे आएंगे हम लोग एंड जो इसका एक्चुअल साइज है उसको कर देंगे यानी कि 100%। ठीक है, सो हमारे अभी 2 एनिमेशन यहाँ पे बन गया। आप ये देखो, ये देखिए 2 एनिमेशन हमारा यहाँ पे रेडी हो गया। फ्रेंड्स, आप अगर चाहते हो कि ये जो हमारा जो एनिमेशन है ये जूम इन जूम आउट होने के साथ साथ रोटेट भी करे तो
तो उसको भी आप इसी तरह से कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आता हूँ यहाँ पे, एंड जैसे ही हमारा ये जो एनिमेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है, ठीक है, कंप्लीट होने के बाद मैं आर बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पे रेशन प्रॉपर्टीज़ है वो ओपन हो जाएगा। सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक की फ्रेम जनरेट करता हूँ, एंड मैं अपने आगे आता हूँ टाइमलाइन पर यहाँ पर, एंड यहाँ पे मैं इसको रोटेट करता हूँ कुछ इस तरह से, या फिर इसमें आप 150 एंटर कर दो, ठीक है। एंड मैं आपको एनिमेशन दिखाता हूँ कुछ इस तरह से बना हुआ है अभी, ये आपको कुछ ज़्यादा हाई दिख रहा होगा, ठीक है, तो इसको आपको लो कैसे करना है मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आना है लास्ट वाले की फ्रेम पे, एंड इसका जो वैल्यू है उसको कम कर देना है, इसको मैं 100 कर दे रहा हूँ 100। एंड अब देखते हैं इसका रोटेशन क्या हो रहा है, अब देखिए थोड़ा स्लो हो गया है। सो फ्रेंड्स, इस टेक्निक को यूज़ करके आप इसका जो रोटेशन है एंड जो इसका रोटेशन की वैल्यू है उसको आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको स्पीड में करना है तो इसका वैल्यू आपको इंक्रीज कर लेना है, और आपको स्लो करना है तो इसकी वैल्यू आपको स्लो कर लेनी है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इतना हमारा एनिमेशन हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा जो एलिमेंट है वो क्या है, इसके जो ऊपर हमारा जो राउंड शेप था उसको हम ऐड करेंगे। तो मैं सिंपली इसको ड्रैग करता हूँ एंड मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ, ये कुछ इस तरह से एनिमेट हो रहा है हमारा। सो इसको हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, एंड इसका जो स्केल प्रॉपर्टी है उसको ओपन करेंगे, एंड इसका जो वैल्यू है वो जीरो करेंगे सिंपली, एंड यहाँ पे की फ्रेम लगाएंगे, एंड अब आगे की साइड में हम लोग मूव करेंगे यहाँ पे, ठीक है, एंड यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग 100 रखते हैं। एंड अब हमारा एनिमेशन देखते हैं कैसे बना है, ठीक है, इसको और थोड़ा ही करेंगे यहाँ पे। फ्रेंड्स, आपको जिस तरह से इसको मॉडिफिकेशन करना है बस ये सारा की फ्रेम का यहाँ पे खेल है, और कोई इसमें बड़ा चीज़ नहीं है करना, बस आपको की फ्रेम को सेट करना है कि कहाँ पे आप सेट करोगे तो किस तरह से वो आपको आपका एनिमेशन दिखाई देगा, ठीक है। मैं फिर से प्ले करके देखता हूँ, ये देखो कुछ इस तरह से एनिमेशन हमारा बन गया। यहाँ तक हमारा एनिमेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद क्या आता है हमारा, ये जो जो वीना है, इस वीना को हम लोग को अभी एनिमेट करना है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हमारा यहाँ पे ये एनिमेशन ख़त्म होता है, ठीक, इसके बगल में हमारा वीना आना चाहिए। सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आकर इसका जो स्केल वैल्यू है, ठीक है, इसको मैं जीरो कर दे रहा हूँ, एंड यहाँ पे की फ्रेम लगाता हूँ, ठीक, इसके आगे जाकर यहाँ पर इसका जो स्केल वैल्यू है उसको मैं 100 कर दे रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। अब देखते हैं अपना हम लोग एनिमेशन, ये कुछ इस तरह से एनिमेट होगा, ठीक है, ये थोड़ा फास्ट है, इसको मैं स्लो कर दे रहा हूँ, एंड ठीक है, इतना हमारा हो गया। नेक्स्ट क्या है, हमारा यहाँ पे पुस्तक है, उसको ऐड करना है। सिंपली मैं क्या करूँगा, अगले लास्ट की फ्रेम पे आऊँगा एंड इसको मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, एंड इसका जो वैल्यू है यानी कि जो स्केल वैल्यू है उसको हम लोग जीरो करेंगे पहले, तो मैं इसको जीरो कर दे रहा हूँ, एंड की फ्रेम लगाऊँगा, थोड़ी दूर आगे जाएंगे हम लोग यहाँ पे, एंड जो इसका स्केल वैल्यू है उसको 100 करेंगे, ठीक है। सेम काम करेंगे सेकंड बुक को, हम लोग इसको यहाँ लाएंगे, यहाँ पे इसका जो स्केल प्रॉपर्टी है इसका फर्स्ट जो वैल्यू है इसको जीरो रखेंगे, की फ्रेम ऐड करेंगे, थोड़ा दूर आगे जाएंगे यहाँ पे, एंड जो इसका स्केल वैल्यू है 100 रखेंगे, ठीक है। एनिमेशन देख लेते हैं हम लोग, ये कुछ इस तरह से एनिमेशन हमारा बना है। अब बारी आती है टेक्स्ट की, तो टेक्स्ट में आप इफेक्ट भी ऐड कर सकते हो एंड उसको की फ्रेम के साथ एनिमेट भी कर सकते हो, एज यू वांट, आप कैसे करना चाहते हो, ये आपकी मर्जी है कि आप कैसे उसको करना चाहते हो, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ, जैसे मेरा यहाँ पे ये हमारा एनिमेशन ख़त्म होता है, यहाँ पे मैं सिंपल अगर इसको टेक्स्ट को भी यहाँ पे ऐसे लाइन से मैं रख दूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से, कुछ ऐसे, तो सबसे पहले हमारा हैप्पी आना चाहिए, तो मैं हैप्पी को आगे करता हूँ, उसके बाद बसंत आना चाहिए, उसके बाद बसंत आना चाहिए, तो ये बसंत आएगा, उसके बाद ये पंचमी, इसके बाद ये हमारा नीचे का टेक्स्ट, तो ये हमारा कुछ इस तरह का भी एनिमेशन विदाउट एनी की का हमारा एनिमेशन तैयार हो सकता है, ठीक है। अब हमारा जो एनिमेशन है कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, मैं एक बार इसको फुल करता हूँ एंड आपको फुल स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि हमारा एनिमेशन कैसे बना है। क्वाइट गुड,
बहुत ही सिंपल होता है फ्रेंड्स, आप इसको आसानी से बना सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसमें अगर आप म्यूजिक डाल लोगे ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। और आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप बता सकते हो, और मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज को आप लोग फॉलो कर लीजिए और वहाँ मुझसे जुड़िए। जो भी प्रॉब्लम होगी हम लोग वहाँ भी डिस्कस करेंगे, और आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं कुछ और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।